नमस्कार। अब हम इस कोर्स के अंतिम अध्याय की चर्चा आरंभ करते हैं, जो कि यादृच्छिक प्रक्रिया, जो कि यादृच्छिक प्रक्रियाओं के विषय में होगा। हमने कहा था कि हम एक यादृच्छिक अनुक्रम को दो रूपों में देख सकते हैं, अथवा यादृच्छिक अनुक्रमों की हमारी अपनी चर्चा पर लौटते हुए हमने यह कहा था कि हम एक यादृच्छिक अनुक्रम को दो रूपों में देख सकते हैं। एक प्रतिदर्श समष्टि से अनुक्रमों की समष्टि में एक बिंब, जहां प्रतिदर्श समष्टि का प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव एक अनुक्रम जनित, जहां प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव एक अनुक्रम को जनित करता है, यदि हमें वह अवयव ज्ञात हो, हम इस यादृच्छिक अनुक्रम प्रत्येक घटक को भी जान सकते हैं। यदि हमें वह अवयव ज्ञात है तो हम इस यादृच्छिक अनुक्रम के प्रत्येक घटक को भी जान सकते हैं। इसी प्रकार इसकी एक अन्य परिभाषा यह है, एक ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक घटक एक यादृच्छिक चर है, अथवा प्रत्येक समय सूचकांक पर प्रत्येक समय सूचकांक टाइम इंडेक्स पर वह एक यादृच्छिक मान धारण। अब हम यह देख सकते हैं कि यह यादृच्छिक अनुक्रम एक प्रकार से समय असंतत संकेत, और जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। यदि हम समय में असंतत संकेत परिभाषित कर सकते हैं, तब हम समय में संतत संकेत भी परिभाषित कर सकते हैं। अब यह है एक समय असंतत यादृच्छिक संकेत है। यह एक संकेत है जो कि समय असंतत है एवं यादृच्छिक है। रैंडम डिस्क्रीट टाइम समय संकेत जो कि समय में असंतत है। अब जिस प्रकार हम प्रतिदर्श समष्टि से असंतत संकेतों अथवा अनुक्रमों, असंतत संकेत एवं अनुक्रम एक ही बात है, जिस प्रकार हम प्रतिदर्श समष्टि से असंतत संकेतों अथवा अनुक्रमों में एक बिंब परिभाषित कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम प्रतिदर्श समष्टि से
समय में संतत संकेतों के समष्टि में भी एक बिंब समय में संतत संकेतों के समष्टि में भी एक बिंब परिभाषित कर सकते हैं। अब यह भी दो प्रकार से परिभाषित हो सकता है। प्रत्येक संकेत प्रतिदर्श समष्टि के एक अवयव का बिंब है एवं वह अवयव ज्ञात होने पर यह एक निर्धारणात्मक एक यह दो यह ऐसा है जिसके द्वारा धारण किया गया मान समय के प्रत्येक बिंदु पर एक यादृच्छिक चर है। यह एक ऐसा संकेत है जिसके द्वारा धारण किया गया मान समय के प्रत्येक बिंदु पर एक यादृच्छिक चर है। इस प्रकार हम कंटिन्यूअस टाइम रैंडम सिग्नल अथवा समय संतत यादृच्छिक संकेत को परिभाषित करते हैं। अब यादृच्छिक संकेत समय में असंतत हो अथवा संतत हो उसे हम यादृच्छिक संकेत अथवा यादृच्छिक प्रक्रिया अथवा रैंडम प्रोसेस कहते हैं। इसे हम यादृच्छिक संकेत अथवा रैंडम प्रोसेस अथवा यादृच्छिक प्रक्रिया कहते हैं। उदाहरणतः यदि हम एक पासा फेंकते हैं जिस पर मान के आता है तब किसी टी नॉट के लिए हम एक्स टी बराबर साइन 2πkt / टी नॉट परिभाषित कर सकते हैं। यह हम देख सकते हैं कि यह एक यादृच्छिक चर होगा एक यादृच्छिक प्रक्रिया है। यदि हमें k ज्ञात है तब यह एक निर्धारणात्मक संकेत है, सरल है। इसी प्रकार समय के प्रत्येक बिंदु पर यदि हमें k ज्ञात नहीं है, समय के प्रत्येक बिंदु पर हम नहीं जानते कि वह 6 मानों में से, अब समय के प्रत्येक बिंदु पर यह कोई 6 में से कोई भी एक मान धारण कर सकता है, हमें यह देखना होगा कि समय के प्रत्येक बिंदु पर वह उन 6 में से कौन सा मान धारण करेगा, अर्थात यह एक यादृच्छिक चर है। अर्थात समय के प्रत्येक बिंदु पर यह एक यादृच्छिक चर है एवं यदि हमें प्रतिदर्श समष्टि का वह मान ज्ञात है तब हमें अथवा प्रतिदर्श समष्टि का वह अवयव ज्ञात है जो मान उस पासे ने धारण किया है तब यह एक निर्धारणात्मक संकेत है जैसा कि हमने कहा था। अब
हम यादृच्छिक प्रक्रियाओं के सांख्यिकीय गुणधर्म देखेंगे। किसी भी वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या n n एवं t1 से tn rn के किसी भी चयन के लिए हम सादिश xn बराबर tn का संयुक्त फलन fxn x1 xn यह किसी भी यादृच्छिक प्रक्रिया xt के लिए है। यह xt का nv कक्षा का घनत्व फलन कहलाता है। यह xt का nv कक्षा का घनत्व फलन कहलाता है। अधिकतर भौतिक एवं व्यावहारिक क्रियाओं के लिए n बराबर 2 पर्याप्त है, किंतु हम गणितीय पूर्णता के लिए n के लिए परिभाषित करेंगे। हम एक यादृच्छिक प्रक्रिया का मध्यमान एक फलन जिसे हम मध्यमान फलन कहते हैं मध्यमान फलन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यह एक निर्धारणात्मक फलन होगा अथवा एक निर्धारणात्मक संकेत होगा। mxt बराबर है प्रत्याशा xt। यह मध्यमान फलन कहलाता है। अब किसी भी t बराबर t नॉट के लिए शून्य बराबर है प्रत्याशा बराबर है अनंत से अनंत x f x t शून्य x dx। यह एक अन्य फलन जो हम परिभाषित करेंगे वह है स्व सहसंबंध। समय बिंदुओं t1 एवं t2 पर x का स्व सहसंबंध फलन इस प्रकार परिभाषित किया जाता है।
इसी के साथ हम यादृच्छिक प्रक्रियाओं का यह पहला व्याख्यान समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में हम यादृच्छिक प्रक्रियाओं के गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।